सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं पांचवी और छठवीं बार बना रही हूँ। मेरा दिमाग इतना आउट हो चुका है ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिटरली बता रही हूँ। मेरा एकदम दिमाग के वैसे भी है नहीं, और जो थोड़ा बहुत है वो भी एकदम हट गया है अभी अपनी जगह से। तो खैर छोड़ो, अब क्या है ना यार, ये कोरोना के ना बहुत केसेस हो रहे थे यार पुणे में, मतलब बहुत केसेस हो रहे थे। तुमको पता है क्या, लास्ट वीक थर्सडे को 1800 केसेस प्लस हुए। लोग सुन ही नहीं रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं कुत्ते की जैसे, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि घर पर बैठना चाहिए। मतलब कोई काम धंधा नहीं, सलाम चूतिया है यहाँ पे। 4 महीने से घर के अंदर बैठे हैं, ये 4 दीवार के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं है। मैं इरिटेट हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, बट फिर भी अपने सर के सर बाल नोच रही हूँ, आधे हो गए हैं पर मैं घर पे हूँ। लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं करने का, इन लोगों को बाहर घूमने का है, सबको बाहर घूमने का है। मतलब क्या परेशानी है मेरे को समझ में नहीं आता। तो फिर मैं गई कल, मैंने बात की महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कल नहीं मतलब 2-4 दिन पहले गई थी मैं, मैंने बात की महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। बोला इनको यार ऐसा वैसा चलेगा नहीं है, तुम लोग ये बंद करो सभा नाटक, ये सब नहीं चलने वाला है। तो फिर मैंने इन लोगों को बोला, फिर इन लोगों ने बोला ठीक है अभी तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी, तो फिर हम लॉकडाउन कर देते हैं। मैंने बोला ऐसा वैसा लॉकडाउन नहीं ना, कम्प्लीट लॉकडाउन मांगता है। ये नहीं कि अभी ऑनलाइन डिलीवरी चालू है तुम्हारा, और इधर भाजी का तरकारी का दुकान 5 बजे तक 6 बजे तक चालू है, इधर ये इसका दुकान चालू, ये सब नहीं चलेगा। सब बंद करने का मतलब सब बंद करने का। दे सेड यस, बिल्कुल आपकी बात सर आंखों पे, बंद अभी सब बंद। फिर कर दिया इन लोगों ने बंद अभी सब। देखो 144,000 लगी बाहर, वो डाउन द स्ट्रीट पुलिस वाला भी खड़ा है। तो अभी आई एम हैप्पी, बट आई वॉज अबाउट टू बी हैप्पी। क्या है ना, मैं खुश हो नहीं पाती हूँ, ये थोड़ा लोचा है अपना। तो मैं अब आई वॉज अबाउट टू बी हैप्पी, तभी मेरे को याद आया कि कल तो मेरा बर्थडे है। लग गई, बर्थडे में तो केक ही नहीं है, और अपने को तो क्या कोई सरप्राइज देने वाला है नहीं, क्यों पहले से मंगवा के रखी और अपने लिए एकदम सेटअप वेटअप, यू नो। तो अपने को खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। तो हट गई अपनी, क्योंकि ऑनलाइन भी अपन ने तो सब बंद करवा दिया है, अब खुद ही बंद करवाया तो खुद ही को भुगतना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये करेंगे अपन, केक बनाएंगे। वैसे केकिंग और बेकिंग और ये शेकिंग से मेरा जो है ना पुराना रिश्ता, सन 87 का रिश्ता है। अब 87 मतलब क्या होता है मेरे को पता नहीं है, और मेरे को पता करना भी नहीं है, दिखाए दुनिया मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जो है ना बहुत पुराना रिश्ता है, और बहुत ही बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, लिटरली टचवुड, बहुत ही टट्टी रिश्ता है मेरा और केक बनाने का। मतलब लोगों का कैसा होता है क्या कि पहली बार में केक थोड़ा ठीक बनता है, दूसरी बार में और अच्छा बनता है, तीसरी बार में इतने इम्प्रूव है ना। और मेरा कैसे हुआ ना, मैंने पहली बार बनाया कि इतना। A few moments later. तो क्या है ना, ये मेरे फोन को भी प्रॉब्लम हो गई, 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो बना नहीं रहा है, मतलब मैं बार बार भौंक रही हूँ और ये बीच में बंद कर दे रहा मैं। और ये पूरा लॉकडाउन है, मतलब 144 धारा, उधर पे पुलिस वाला खड़ा है, लेकिन इन लोग को ये घर 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 करने का है। दरवाजा भी खुल गया, मतलब जान निकाल दो मेरी जान, ये अपने आप खुल जाता है, ये चूतिया दरवाजा ये अपने आप खुल जाता है, इसको बंद करो हवा से खुल जाएगा। अभी मतलब अकेले इंसान ही इतने बड़े घर में, यू कैन नॉट जस्ट अंडरस्टैंड क्या, मतलब लिटरली फट जाती है। खैर जो भी हो छोड़ो, इसको मैं बता रही थी कि तो जो ये केक है मेरा, उसका बहुत पुराना रिश्ता है। मतलब पहली बार मैंने केक बनाया एकदम धासु सॉलिड सेक्सी अच्छा बना, दूसरी बार मैंने टट्टी, तीसरी बार और टट्टी, चौथी बार महा टट्टी। मतलब इतना गंदा मैं केक बनाती हूँ, इसके लिए मैंने केक बनाना छोड़ दिया। बाकी लोगों का कैसा था, पहली बार गंदा फिर अच्छा फिर अच्छा, नहीं अपना तो सब उल्टा होता है ना, अपना सब उल्टा ही रहेगा। तो फिर अपन इसलिए आज ट्राई करेंगे। तो ये कुकिंग का चैनल तो मैं मतलब कभी कभी डाल देती हूँ वीडियो, बट ये कुकिंग का चैनल है नहीं, तो मैं कुकिंग वाला दिखाऊंगी नहीं, मैं सीधा आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि अच्छा बन रहा है कि गंदा बन रहा है। एंड मुझे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है इसको लेके, बट फिर भी सोच लेते हैं कि शायद अच्छा बन जाएगा, देखते हैं कैसा बनता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ तो भी बोलना था यार, मैं भूल गई, पता नहीं। हाँ वैसे सरप्राइजिंगली मेरे पास केक का सारा सामान है, तो लेट्स सी कैसा बनता है, मतलब भाई नहीं रुको देखो क्या किया। डाल देती हूँ पहले, फिर वो करती हूँ। तो
अपना पहला ट्राई है केक का विदाउट ओवन, देखते हैं क्या होता है। तो ये अपना केक है, ये जो बन गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जिंदगी में पहली बार अच्छा केक बना है मेरे से। तो ये थोड़ा साइड लाइट का अवॉइड करो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जला वाला नहीं है। तो ये एकदम मस्त टूथपिक वुथपिक वाला जो सिस्टम होता है वो भी अपना सही बैठ गया है। अब इसको अपन निकालेंगे फिर सजाएंगे जाएंगे तब दिखाएंगे। ये मेरा अच्छा था केक तो अच्छा ही दिख रहा है मेरा, थोड़ा साइड से खा के देख लेती हूँ। टेस्टी भी है, अरे केक बन गया रे बाबा। रेडी हो गया है मेरा बर्थडे केक, इसके लिए मैं बहुत आई नो ये सब अभी साफ करूंगी, मैं इसको अच्छे से प्लेट में रखूंगी, डेकोरेट करूंगी। माय बर्थडे इज ओवर नाउ और केक काफ़ी अच्छा बना, जो ये पूरा व्लॉग जिसके लिए था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको जिन्होंने मुझे इतने सारे बर्थडे विशेस दिए, थैंक्स अ लॉट, यू ऑल मेड माय बर्थडे सो 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 डैम स्पेशल। एंड एक छोटा सा मैसेज है कि देखो यार, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको कोई सरप्राइज़ दे या कोई कुछ गिफ्ट दे बर्थडे में या खुश करे, आप खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक केक बना था, आई वाज़ वेरी हैप्पी उस एक छोटी सी चीज़ की वजह से। मेरा बर्थडे वाज़ वेरी स्पेशल फॉर मी दिस टाइम एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैंने सबको केक के फोटोज़ भेजे, सबको बताया कि मैंने केक बनाया, सो और ये भी लोग भी बनाया मैंने। तो गाइस, दूसरे के पास अपनी खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद में खुशी ढूंढो। आई एम वेरी हैप्पी, अभी ज्ञान बांट रही हूँ मैं। अच्छा नहीं बना होता केक तो पता नहीं गालियाँ बकरी होती, खैर अच्छा बन गया तो अपन ज्ञान बांटेंगे, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा रहा कल का दिन एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर विशेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से, और इन्जॉय करो यार, स्टे सेफ। बहुत केसेस बढ़ गए हैं, सच में बहुत केसेस बढ़ गए हैं, पुणे में पूरा लॉकडाउन है। तो प्लीज़ गाइस स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो यार, बस बिंदास रहो, सब्सक्राइब करो, चलो बाय।